जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वह है सिर्फ शिक्षा। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा किसी और चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो है सिर्फ शिक्षा। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, अरे बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, हमें किस तरीके से नंबर को उसमें लिखना है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। 230 है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, तो हम किस हिसाब से लिखेंगे, कितने जीरो आगे 2 के, 2, तो 2 लगा देंगे। इसके कितने 3 के आगे, 1, सो 1 लगा देंगे और 0 का 0 आ जाएगा 1 के ऊपर। अब देखिए ये उसी हिसाब से अगर हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कि 2 × 100, ये हंड्रेड्स के प्लेस पे है, तो इसका मतलब भी 200 ही होगा, प्लस 3 टेंथ्स के प्लेस पे, यानी 3 × 10, तो ये 30 होगा, प्लस 0 वंस के प्लेस पे, सो 0 × 1, 0 ही आएगा, जो कि 0 ही होगा। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको समझ लेनी है कि 0 का भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा। माना कि मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, फिर भी हमें लिखना होगा। तो ये तो आपको नंबर की बात पता चल गई, लेकिन पॉइंट के बाद जो है आपको वो भी ऐसे लिख दोगे कि 0 टेंस के प्लेस पे है, तो 0 × 10, नो, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, आइए इन क्वेश्चंस को करते हुए ही समझते हैं। सो फर्स्ट है 20.03, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा है, तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 2 कितने पे है, टेंस पे, यानी 2 × 10 प्लस 0 वंस पे, 0 × 1 प्लस, अब पॉइंट के बाद जो 0 है वो टेंथ्स के प्लेस पे, टेंथ्स, तो यहाँ पे जो 0 है इसे हम लिखेंगे 0 × 1/10। ये आप याद रखना, डेसिमल के बाद हम 1/10, 1/100, 1/1000 इस हिसाब से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 × 1/10 प्लस 3 कितने पे है, हंड्रेड्स के पे है, तो ये हो जाएगा 3 × 1/100, और ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ में आ गया। आइए अब दूसरा देखते हैं, 2 कितने पे, वंस पे, तो 2 × 1 प्लस 0 कितने पे है, टेंथ्स, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0 × 1/10 प्लस 3 कितने पे है, हंड्रेड्स, तो ये हो जाएगा 3 × 1/100, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, 200.03, सो 2 कितने पे है, 100 पे, यानी 2 × 100 प्लस 0 कितने पे है, टेंथ पे, टेंथ्स, सो 0 × 10 प्लस 0 वंस पे, सो 0 × 1 प्लस 0 टेंथ्स के पे, तो ये होगा 0 × 1/10 प्लस 300, सो ये हो जाएगा 3 × 1/100, ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आते हैं फोर्थ पे, तो 2.034, सो 2 वंस के पे, सो 2 × 1 प्लस 0 × 1/10, क्योंकि ये टेंथ्स के पे, फिर 3, सो प्लस 3 × 1/100। अब फोर देखो, थाउजेंड्स के पे, तो ये हो जाएगा प्लस 4 × 1/1000, और ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। बस इतना सा ही था ये क्वेश्चन, हमें इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, जो कि लिख दिया। तो ये था एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।